नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। देश भर में केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। इस दौरान कई हिंसक घटनाएं भी सामने आई हैं। इसी के मद्देनजर रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय के सामने भारी संख्या में रैफ और जिला पुलिस बल की तैनाती की गई, जहाँ पुलिस ने बीजेपी कार्यालय के सामने बैरिकेडिंग कर दी। वहीं भाजपा नेता ने कहा कि राष्ट्रवादी विरोधी और देश को तोड़ने वाले लोग इस योजना का विरोध कर रहे हैं। एक प्रायोजित कार्यक्रम के तहत गैर भाजपा शासित राज्यों में इस तरह के विरोध हो रहे हैं, लेकिन हमारे युवाओं को इस योजना के बारे में बारीकी से समझने की जरूरत है। लेकिन जो भाजपा कार्यालय और नेताओं पर बड़ा हमला का षड्यंत्र रचा जा रहा है, इससे भाजपा डरने वाली नहीं है। देखिए, ये विरोध प्रदर्शन जो आप झारखंड में पूरे और राज्यों में लोग करा रहे हैं, और निश्चित तौर पर मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि ये प्रायोजित है। जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, या जहाँ गठबंधन की सरकार है, या जहाँ दूसरे दलों की सरकार है, वो लोग ये पहचान नहीं पा रहे हैं कि जो नियुक्तियाँ हैं या जो हमारे लोग तैयारी कर रहे हैं, उनको इस कार्यक्रम के तहत जोड़ के और मुख्य रास्ते पर रखने का जो उद्देश्य है। और सबसे बड़ा बात है कि 4 साल का पीरियड है, उसमें अच्छा मानदेय मिलेगा और 11-12 लाख रुपया लेके जाएंगे, और उसके बाद कहीं नौकरी करने की मनाही नहीं है। तो उसको पूरी तरीके से राजनीतिक रंग देकर जो सुनहरा भविष्य और सुनहरा भारत नरेंद्र मोदी जो निर्माण करना चाहते हैं, उसके बाधक लोग हैं, राष्ट्र विरोधी लोग हैं, जो ट्रेन जलाकर और आम लोगों को परेशान करके, उनकी मनता साफ है। आप देखिए, कहीं वीडियो क्लिप में देख रहा था कि एक लंगड़ा व्यक्ति ट्रेन जला रहा था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, क्या वो व्यक्ति सेना में जाएगा? उसको बहाली प्रक्रिया से क्या मतलब? पॉलिटिकल लोग और देश को जो तोड़ना चाहते हैं, अखंड भारत के जो रास्ते में जो रोड़े हैं, वो इसको युवाओं के बीच में इसका गलत संदेश देकर इसके अच्छे चीज़ों को समाज में और प्रदेश में आने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारा अपील है ताजा टीवी के माध्यम से कि युवाओं को सबसे पहले इस स्कीम को पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि ये उनको सशक्त बनाने के लिए एक कदम है, उनको बेरोजगार करने के लिए नहीं। इसीलिए अपनी जीत का साथ देना चाहिए, और निश्चित तौर पर देश के युवाओं के लिए आज़ाद भारत में पहली बार इस तरीके कोई आया है कि तुरंत आप नौकरी लेकर 30-40 हज़ार रुपये महीना लेने लगेंगे, ऐसा कहीं है क्या? आप देखिए कि सेठ साहूकारों के यहाँ 5,000-7,000 का नौकरी कर रहे हैं और 12-14 घंटा कट रहे हैं। तो ये सम्मान भारत के प्रधानमंत्री ने दिया है, इसका सभी युवाओं को आगे बढ़ के लेना चाहिए, और ऐसे दलित दल के जो लोग हैं उनका विरोध करना। देखिए, ये तो लोकतंत्र है, और यहाँ भी आपको पता है कि एक ऐसी सरकार का पुनः स्थापना हुआ, नया सरकार का निर्माण हुआ 2019 के चुनाव में, जो हर साल 5 लाख रोजगार दे रही है, उसको भी अभी हम लोग टॉर्च लेकर खोजने निकलेंगे। तो वो लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो पब्लिक के बीच में बदनाम करने का प्रयास करो, उसके कार्यालय उसके कार्यकर्ताओं को हिट करो, धार्मिक स्थल को तोड़ो और युवाओं को बेरोजगार बनाओ। क्योंकि जब वो बेरोजगार बनेंगे तब वो मुख्यधारा से हटकर नक्सली बनेंगे, वो अपराध करेंगे। ये बड़ा षड्यंत्र है, और भारतीय जनता पार्टी इसे षड्यंत्र करने वाली है।